क्या अरबी की सब्ज़ी देखकर आपका मूड ख़राब हो जाता है, अच्छी खासी भूख आपकी मिट जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सभ्यता जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अरबी की सब्ज़ी एक नए तरीके से बनाएंगे, जिसको देखकर आपकी भूख जो है दुगुना हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अरबी लिया है और इसको एक बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और इसको इस कुकर के अंदर डाल देंगे और अब इसमें हम इसके आधा हिस्सा डूबने तक इसमें पानी डाल लेंगे और ढक्कन बंद करके गैस के ऊपर रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। इसके पकने के बाद इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और 2-3 बार ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपको जल्दी बाजी नहीं है तो आप इसको अपने आप ठंडा होने दें। और अब एक एक करके इनके छिलके उतार लेंगे। ये काफ़ी अच्छे से गल गया है तो इसके छिलके बहुत ही इजली उतर जाएंगे। छिलके उतारने के बाद इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियां कद्दूकस की हुई, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अजवाइन, 2 स्पून बेसन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार हो गया है तो इसको तलेंगे। तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको हम मीडियम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें अब हम पकौड़ियाँ तलने के लिए डाल देंगे और अब इनके साइड्स पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे। अब इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है तो इसको तेल से बाहर निकालेंगे। ऐसे ही सारी पकौड़ियों को हम तल लेंगे। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 2 छोटे साइज़ के टमाटर कटे हुए डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ढककर 5 से 6 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। ये पक गए हैं तो इनको मिक्सर जार में निकाल लेंगे और पीस कर महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और फिर से उसी कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें सरसों तेल लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 लाल मिर्च तोड़ कर डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। इसके भूनने के बाद हमने जो पीस कर पेस्ट तैयार किया था उसको डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये अच्छे से पक गया है तो इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 बड़े ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे से घोल लेंगे और अब इसको हम ढक देंगे और इसमें बबल्स आने तक इसको पकाएंगे। और अब हमारी ग्रेवी पक के तैयार हो गई है तो इसमें हम पकौड़ियाँ डाल देंगे और इसको हम ग्रेवी के साथ थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। पकौड़ियाँ डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक गैस को ऑन नहीं रखना है और इस तरीके से हमारी अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है।
फ्रेंड्स, इसको आप घर में ज़रूर बनाएं, आपको ये अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।